हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली वो दिन आ गया जब हम गर्मी के कपड़े को बाहर निकालेंगे और जाड़े के कपड़े को अंदर रखेंगे। सो इस बार जाड़ा बहुत रुक रुक के गया है, तो अब हम लग गए इस काम को करने के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि जब आप कपड़े अंदर रख रहे होते हो तो आपको इस बात का ध्यान देना होता है कि कोई ऐसे कपड़े हों जो कि अगर मौसम चेंज होता है बच्चों के लिए तुरंत निकालो, हैंड पिक क्लोथ्स। तो इसके लिए भी पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस लिया और डाल दिया। तो चलो इस काम को करते हैं फटाफट। मैं आपको होम टूर दिखा देती हूँ, हमारा घर का काम कितना अभी तक हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। जब ये चीजें बन के आएगी तो भी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो बस अभी तक इतना ही काम हुआ है और इस पूरे काम में 10 डेज हो रखे हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारा वॉशरूम है, ये हमारा यूटिलिटी बालकनी बना हुआ है। सो यहाँ पे हमने वॉशिंग एरिया लाइक वॉशिंग मशीन का भी सेटअप यहीं कर रखा है। आरओ को भी हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है। और ये एक कमरा बचा है हमारे बच्चों को बेचारे को। और यहाँ स्कूल से आते ही इजहान मुझे लेके यहाँ आ गया कि मम्मा चलो मुझे गन दे लाओ। इसे तो बस इतना पता है कि ये गन है, इसका ये पता नहीं कि गन का यूज़ क्या है। सो खैर मैंने उसको गन दिलाया, साथ ही शाइन के लिए भी गन दिलाया। चलो देखो, आराम से आराम से, बच बच के चलो। चलो भाई को दे दो जाके, भाई को दे दो। शायू ये देखो भाई क्या लेके आया, आपके लिए ले लो। डाल देंगे, डाल देंगे। इसमें कैसे डालना है मम्मा? इसमें इसमें ये कलर लेके आई हूँ मैं। मम्मा ये तो मम्मा दे दो, मम्मा डाल ये, दो। ये अभी 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 मैं बनाऊंगी, पहले आप खा लो, पहले खा लो। ये कहाँ से आए हो? मैं और एक घंटे पे आया हूँ। अभी ट्यूशन भी तो जाना है आपको, ट्यूशन मम्मा को ट्यूशन करा एक चीज बता देना, ठीक है मम्मा? ने कॉल एक कॉल टीचर पे ला देना। ओह गॉड शायद बाकी बच्चे थे वहाँ पे, हाँ बाकी बच्चे भी थे। मेरे फ्रेंड भी आ गए थे। कौन से फ्रेंड? आदित्य। आदित्य आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं आ रही है, आज तो बहुत आ रही है। चलो चलो चेंज करो शायद फटाफट, और चलो ट्यूशन जाओ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इजहान नीचे गए थे अलीना के साथ और अलीना का फ़ोन आया कि भाभी अब गन लेके आ जाओ, इसके सारे बच्चे होली खेल रहे हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है कि मुझे मेरी गन चाहिए। परेशान कर दिया फिर से। हाँ ईजो आ जाओ, लो ये लो, ये लो गन लो। कहाँ कहाँ परेशान किया, ओले बाप रे बाप, इतना सारा होली खेल लिया आपने, इतना सारा खेल लिया, लो लो चलो आओ इधर। यहाँ 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 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पार्क में, पार्क में चलो, पार्क में चलो। चलो ये दीदी भी आ गई है, इसको भी ब्लॉग में ले लेते हैं, है ना। तो दीदी को मारो मारो मारो। हैप्पी होली। इजू कैसे बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। इजहान ने बहुत परेशान कर रखा है,
नाराज होके पड़ी है। बोलिए तो मैंने नहा के फटाफट निकली और कुछ कर भी नहीं पाई। अलीना ने कहा भाभी अगर आप नहीं आ पाओगे ना तो ये आने वाला नहीं है। अब ये सबको गन लेके सबको ये कर रहा है। देखो मीना दीदी देख चुका है वो। अब उसके पास गन आ गया ना, जाओ खेल लो उसके साथ। अरे इधर लो। अरे भैया मुझे बचा लो यार, मैं नहा के आई हूँ। इजू के फ्रेंड इतने बड़े बड़े हैं। क्योंकि सबकी छुट्टियां हो रखी है और सबको होली खेलना है। पानी नहीं, पानी लेना पड़ेगा। पानी खत्म। ये मीरा दीदी ने सब है, मीरा दीदी पानी भर के लाई। डालो डालो। अच्छा चलो सही है। सारे बच्चे बिल्कुल पार्क में मजे मजे। ये वीडियो वायरल हो जाएगा आप लोगों का। ये वीडियो मैं वायरल करूंगी। ये देखो शैतान बच्चे। तेरा चोला वेरी गुड।